नमस्कार, मैं संजय पत्की, स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो ऑफिशियल, इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। आपकी आवाज़ जो है वो जिस भी प्रकार की आपको प्रभु के तरफ से मिली हुई है उसको अच्छे से तैयार करना आपका परम कर्तव्य है। उसके लिए किसी बड़े अमीर आदमी के घर में बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ है और किसी गरीब के घर में दूसरा काला करूटा बेटा पैदा हुआ है और वो बन नहीं सकता और ये बन सकता है, हाँ हालांकि सुविधा का फर्क होगा लेकिन अगर उसके अंदर पैशन होगा तो वो भी एक विशेष लेवल तक अपना राज कर सकता है, नाम कर सकता है। और इसके अंदर सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर सकता, ये चीज़ आपने देखी हुई है समाज में। मेरा कहने का मतलब ये है कि पैदाइशी हम कोई भी कलाकार नहीं होते या कोई भी अमीर या गरीब या कोई कुछ नहीं होता, वो एक स्पेशली एक आत्मा और एक शरीर मिला रहता है। हम उसको किस तरीके से संस्कार करते हैं उस तरीके से हमारा अगला जीवन ढलते रहता है, तैयार होते रहता है। उसी तरीके से हमको जो एक परंपरागत जेनेटिक सिस्टम से जो हमारे शरीर में आवाज़ की प्राप्ति हुई है उसको जैसी भी हमको मिली है वो हमारे लिए 100 गुना सोने से भी ज्यादा है। उसी को जो मिला है उसको उस तरीके से ढालने का स्किल ही आपको उस लेवल तक पहुंचाएगा जो लेवल आप चाहते हो, शायद उससे भी ज्यादा पहुंचाएगा। लेकिन गलत सोच, गलत रियाज, गलत प्रिडिक्शन, गलत इमिटेशन और खाली पीली सपने देखना, बाप अमीर है करके बेटा तब तक तो ऐश कर लेगा, ऐश तभी होती है जब बाप होता है, दो वक्त का खाना तो फिर बाप ना रहते हुए फिर बाद में पता चलता है कि दो वक्त का खाना मिल रहा, जब तक बाप है तब तक ऐश कर लो। तो जब तक आपके सामने गुरु है तब तक आप लोग बड़े, हाँ है गुरु जी, पर रोज रोज गुरु के सामने जाके बैठ के भी आपको कुछ हासिल नहीं होता अगर आपके अंदर कुछ नहीं है। तो अगर है तो 10 दिन के बाद नहीं, महीने भर के बाद भी गुरु के सामने आके बैठ गए। आजकल तो बड़ी सुविधा होती है, गुरु आपके जेब में रहते हैं मोबाइल के रूप में, रिकॉर्डिंग कर लो 1000 बार सुनो। तो किस चीज़ के लिए 15 और 20 साल लगने वाले हैं? उस वक्त 20 साल 15 साल लगते थे क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं थी। आज कुछ लोग जाके गुरु जी के पास में बैठे, उन्होंने जो कुछ मुखोद्गत सिखाया वो घर में जाते जाते उसमें की 50 लाइन में से 5 लाइन ध्यान में रह जाती, वो भी लाइन इसकी अलग उसकी अलग उसकी अलग सिस्टम, क्योंकि ध्यान में न लिखना था न किसी चीज का रिकॉर्डिंग कर सकते थे। तो 15-20 साल लगना स्वाभाविक था, लेकिन आज वो इस युग में गाना सीखने के लिए 15-20 साल तो नहीं लगेंगे, गाना कायम रखने के लिए पूरी उम्र लग सकती है। जो भी कुछ सीखे हो उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको रोज का रियाज, 100 बार आप मोबाइल देखिए आपके गुरु जी का रिकॉर्डिंग करके, उन्होंने कैसे गाया है, उन्होंने क्या दिखाया, अच्छा ये बॉडी मोमेंटम क्यों लिया है। आप गुरु की नकल करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जब गुरु की नकल करोगे तो आवाज़ की नकल नहीं, स्टाइल की नकल तो करोगे, आवाज़ की नकल जो करेंगे वो आदमी सक्सेस नहीं होगा, स्टाइल की नकल करना है। गुरु ने ये ऐसे कैसे बैठे हैं, गुरु ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी ने उसके पीछे 50 साल का मेहनत होता है, 40 साल का मेहनत, वो उनको ऊपर का गंधार लगाते वक्त ऐसा करने से वो गंधार कितना ऊँचा जाता है वो उनके अंदर से उनकी बुद्धिमत्ता उनको बताती है। आप यूं ऐसा लगाओगे नहीं, ये जो फर्क है। तो गुरु के सामने बैठ के खाली सुनने से गाना नहीं आएगा, गाना विजुलाइज होना चाहिए। हर सुर का एक स्वभाव है, हर तान का एक स्वभाव है, हर ख्याल का एक मूड है, हर राग का एक स्वभाव है, वो सब आपको संगीत में जितना गहरा डूबोगे उससे भी आगे संगीत है। हम लोग तो ढूंढ ही नहीं पाते, हमारे बस की बात ही नहीं, हमारी औकात ही नहीं है। जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट आपके सामने आए हुए हैं वो जनरल लेमैन और जनरल पब्लिक को जो भी कुछ अच्छा लगता है वही प्रेजेंटेशन करने के बाद में वो सक्सेस हुए हैं, उसके आगे भी गाना है वो उन्हें भी पता है। पर हम क्या, थोड़ा सा आ जाने के बाद में हम यूँ वो जो चीज़ होती है ना, वो जो ये वाली चीज़ आदमी को ख़त्म करने की पहली स्टेप है। मैं बार बार ये चीज़ आपको आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि किसी की नकल ना कीजिए, किसी से कंपेयर ना कीजिए। सारेगामापधनिसा सब विश्व में एक ही है,
उसको अपने बुद्धिमत्ता से उसको सारे गामा गरे सा मग सारे निशा मे सारे सारे प म गरे ग म प म गरे प म गरे ग म ग रे सा म ग सारे नी प ध सारे ग म ग सारे नी प ध म प सा नी म गरे सा नी ध प सा नी म गरे सा। आपको एफर्ट ना लगते हुए अगर सुर लग रहे हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? आप माइंड से सोचना है, दिल से सोचना है, दिमाग से सोचना है, दिल वहां ले जाना है वो सुर कितना ऊंचा जो आपके दिमाग में बैठा है। सामा मगरे सानी सा पा मगरे सानी सा पा मगरे गा 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 गा। फिर कोई बोलेगा आपको कि ये फॉल्सी है या फिर और कोई नाम होंगे उसको। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ लो, फॉल्सी है ये आपको भी समझता है। फॉल्सी को ओरिजिनल आवाज में बिना तकलीफ होते हुए तुमको भी नहीं होना चाहिए और सामने वालों को भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ढालने के लिए कोई दूसरा दिमाग नहीं लगाएगा, दिमाग आपको ही लगाने का है। भूख आपको लगी है तो खाना भी आपको खाना पड़ेगा। कुछ नेचुरली जो चीज होती है, नैसर्गिक चीजें, वो काम, हाँ भैया मेरा लेटर तो उधर जा रहा तो डाल दे, या फिर उधर जा रहा तो मेरे लिए तो कुछ लेके आ, मेरी दवाई लेके आ, ये चीज दूसरा कर सकता है, लेकिन मुझे पेशाब लगी है या मुझे भूख लगी है ये चीज तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। निजी बातें तुम्हारे निजी शरीर से जो एक धर्म से जुड़ी हुई है, तो तुम रियाज को ऐसा क्यों नहीं समझते कि वो मेरे शरीर से जुड़ा हुआ मेरा धर्म है, वो अगर मैं करूं तो उसमें तो आपको डर भी खत्म हो जाएगा और कायम भी हो जाओगे उसमें।